वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जर्म लेयर्स के बारे में। जो जर्म लेयर्स होती हैं, गैस्टुलेशन के बारे में तो हम जान ही चुके थे कि गैस्टुलेशन से किस तरीके से फॉर्मेशन होती है तीन लेयर की, अगर ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल है तो। अब जो ये तीन लेयर बनी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन लेयर्स से आगे ऑर्गन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो हमें केवल ये जानना है कि जो तीन लेयर बनी है उन तीन लेयर से कौन कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से दो नंबर के मार्क्स क्वेश्चन तो आते ही आते हैं CSIR में, और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आप एक बार पढ़ के इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आपको बस ये याद करने हैं, इसमें याद करने वाली चीज़ है, और याद भी ना कर पाएँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझने वाली बात है। आप अगर समझ जाएंगे कि किससे क्या बनता है तो आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं CSIR में और अदर जो एग्ज़ाम है उनमें भी किस तरीके से आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि 1820s तक तो यही माना जाता था कि जो फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो में, प्री फॉर्मेशन थ्योरी ही मानते थे 1820s तक। 1820s के बाद जब स्टेनिंग मेथड आ गए माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप काफ़ी एडवांस हो गए, स्टेनिंग की वजह से हम फेट मैप का पता लगा लेते हैं, और उससे हमने पता लगाया, मतलब उस टाइम पे लोगों ने पता लगाया था कि जर्म लेयर से फॉर्मेशन किस सिस्टम की हो रही है, किस ऑर्गन की हो रही है। तो मैंने आपको थ्योरीज के बारे में सबसे पहला जो लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें बताया ही था कि दो थ्योरी होती हैं, एक तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी और होता है एपिजेनेसिस थ्योरी। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी में यही बताया जाता था कि जो एम्ब्रियो है उसमें एक मिनिएचर फॉर्म पाई जाती है, और वो मिनिएचर फॉर्म आगे चल के डेवलप करके एडल्ट की फॉर्म ले लेती है। तो लोग इस तरीके से मानते थे 1820s तक, लेकिन 1820s के बाद एडवांस माइक्रोस्कोप हो जाने की वजह से पता चल गया कि एम्ब्रियो में गैस्टुलेशन स्टेज जब आती है तो तीन लेयर की फॉर्मेशन होती है, और वो तीन लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिस्टम को बनाने के लिए और ऑर्गन्स को बनाने के लिए। तो जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है वो 1820s के बाद ख़त्म हो चुकी थी, फिर एपिजेनेसिस थ्योरी लोग मानने लगे। और इसके पीछे किस साइंटिस्ट का रोल है, साइंटिस्ट जो थे वो नदर्न जर्मनी के थे, जर्मनी से तीन साइंटिस्ट थे, उनके नाम हैं क्रिश्चियन पेंडर, हेनरिच रत्के, कार्ल अंस वॉन बियर। तो ये जो तीन साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने ही जर्मनी में पता लगाया था कि एपिजेनेसिस थ्योरी होती है, मतलब कि जो गैस्टुलेशन प्रोसेस होने के बाद तीन लेयर की फॉर्मेशन हुई है, उन तीन लेयर से ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, वो पता लगाया था इन साइंटिस्ट ने। तो क्रिश्चियन पेंडर जो है उन्होंने पता लगाया था, हेनरिच रत्के ने पता लगाया था, और ये तो नाम आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, कार्ल अर्न्स वॉन बियर। वॉन बियर जो हैं वो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं पेंडर, उन्होंने चिक के एम्ब्रियो में स्टडी किया था गैस्टुलेशन की स्टेज को, और उसमें उन्होंने पता लगाया था कि जो एम्ब्रियो है उसमें जर्म लेयर बनती हैं तीन, और वो जो तीन जर्म लेयर होती हैं वो आगे चलकर एपिजेनेसिस की प्रोसेस से, एपिजेनेसिस प्रोसेस यानी जो प्री फॉर्मेशन जो थ्योरी थी वो यहाँ पे जाके निग्लेक्ट हो चुकी है, और उसको पूरी तरीके से अब नहीं मानता था कोई भी, फिर आ गई थी एपिजेनेसिस थ्योरी। और एपिजेनेसिस थ्योरी ये कहती है कि मिनिएचर फॉर्म पहले से नहीं होती है, जो फॉर्मेशन होती है वो आगे बाद में चेंज होती रहती है। तो वही थ्योरी आगे चल के जो तीन लेयर बनती हैं वो तीन लेयर से स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो पेंडर ने ये पता लगाया था चिक एम्ब्रियो में। उसके बाद इन्होंने और एक और चीज़ का पता लगाया था, वो ये पता लगाया था कि जो जर्म लेयर हैं वो उनमें खुद में इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपने आप से कोई एक सिस्टम डेवलप कर दें या ऑर्गन डेवलप कर दें, मतलब ऑटोनॉमसली नहीं कर सकते हैं वो अकेले, तो फिर कैसे होगा, उसके लिए इनको बाकी अदर जो भी होते हैं लेयर उनकी हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो ये भी पेंडर ने पता लगाया था, और इसको कहते हैं सेल इंडक्शन। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था सेल इंडक्शन के बारे में। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ।
तो देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ये एक गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला में तीन लेयर हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही गैस्ट्रुला की स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, उसके बीच में मिडल मीजोडर्म होती है और सबसे अंदर होती है एंडोडर्म। तो ये तीन लेयर कैसे बनी थी ये पता लग चुका था। अब देखिए जो मीजोडर्म है ग्रीन कलर में आपको बताया अभी मैंने, इस मीजोडर्म से मान लीजिए कि नोटोकॉर्ड बनना है, वो नोटोकॉर्ड बनता ही है, ये प्रूफ हो चुका है। तो ये नोटोकॉर्ड बनने के लिए क्या ये अपने आप नोटोकॉर्ड बना लेंगे सेल्स? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन सेल्स में, ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं जिनकी पोजीशन यहाँ पर है, इन सेल्स में इतनी पोटेंशी नहीं होती है कि ये खुद नोटोकॉर्ड बना दें। इनमें पोटेंसी आने के लिए इनको जो आसपास के सेल्स हैं, ये वाले एक्टोडर्म के और ये अंदर एंडोडर्म के, वो इंड्यूस करते हैं, जिसे सेल इंडक्शन बोलते हैं, तब जाकर इनमें पोटेंशी आती है और ये नोटोकॉर्ड बना पाएंगे। तो एक्टोडर्म वाले सेल जो आसपास के हैं और एंडोडर्म वाले जो सेल हैं, वो जब इसको इंड्यूस करेंगे, ये यहाँ पे देखिए इंडक्शन करेंगे, सेल इंडक्शन मतलब एक दूसरे को आपस में इंड्यूस करते हैं, तब जाकर वो बनता है। मैंने आपको सेल डेवलपमेंट में बताया था आपको कि दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, प्रोटोस्टोम एनिमल में और ड्यूट्रोस्टोम एनिमल में। मोज़ेक डेवलपमेंट होता है और दूसरा रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये रेगुलेटिव टाइप का डेवलपमेंट है, यानी ये एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं, सेल इंड्यूस कर रहे हैं या सेल रेगुलेट कर रहे हैं, एक ही बात है। एक्टोडर्म वाले ये जो सेल हैं ये मीजोडर्म के ग्रीन सेल को इंड्यूस कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं कि इनको नोटोकॉर्ड ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। वैसे ही एंडोडर्म वाले भी इसको इंड्यूस कर रहे हैं कि नोटोकॉर्ड ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। तो इस तरीके से ये सेल आपस में लगे रहते हैं, इनकी पोजीशन यहाँ पे रहती है, और ये जो बनाना होता है नोटोकॉर्ड बनाना हो या जो भी बनना हो, आगे चल के सिस्टम बनाना हो, वो जब आपस में एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं तभी बन पाते हैं। अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो वो नहीं बन पाएगा। और इस तरीके की जो रेगुलेशन है वो ड्यूट्रोस्टोम एनिमल में पाई जाती है, प्रोटोस्टोम में रेगुलेटिव टाइप नहीं होती, उनमें मोज़ेक होती है। तो इसलिए उनमें अगर सेल्स को निकाल दिया जाए, इन सेल्स को निकाल दिया जाए, नोटोकॉर्ड तो पहली बात तो होती नहीं है प्रोटोस्टोम में, लेकिन अदर जो चीज़ बनती है, जो सिस्टम बनता है, वो नहीं बन पाएगा अगर जरा से भी सेल्स निकाल दिए जाए। वो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि दो तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है, ये एपिजेनेसिस फॉर्मेशन होती है कि पहले से कोई फॉर्मेशन या मिनिएचर फॉर्म नहीं पाई जाती है, फॉर्मेशन बाद में होती है। कैसे होती है? सेल एक दूसरे को इंड्यूस करेंगे और यही सेल सिग्नलिंग कहलाई जाती है। बहुत सारी सेल की सिग्नलिंग होती है, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल पास करता है, फिर वो उस सिग्नल को रिसीव करता है और उसी फॉर्म में वो डेवलप हो जाता है। तो सेल सिग्नलिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी सेल की सिग्नलिंग है वो सारी की सारी कराऊंगा। तो अभी आप बस ये समझ लीजिए कि सेल एक दूसरे को सिग्नल पास करते हैं या इंड्यूस करते हैं कि उनको इन द फ्यूचर क्या बनना है, उनका फेट डिसाइड कौन करता है? आसपास के सेल करते हैं। तो पेंडर ने यही पता लगाया था कि सेल में इतनी पावर नहीं होती है खुद में, गैस्ट्रुलेशन की जो लेयर है उन सेल्स में, कि वो आपने अपने आप से कोई भी सिस्टम या कोई भी ऑर्गन्स डेवलप कर लें। तो यही बात है, पेंडर ने यही बताया था। तो बाकी जो अदर साइंटिस्ट हैं, कार्ल अर्नस्ट वॉन बीयर और जो दूसरे थे हेनरिच रथके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और वर्टिब्रेट की स्कल या बोन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया था इन्होंने। और इन्होंने बात की थी फेरेंजियल आर्चिस के बारे में और पता लगाया था कि वर्टिब्रेट्स के जितने भी एनिमल हैं उनमें फेरेंजियल आर्चिस आगे चल के डेवलप होते हैं वो सेम रहती हैं, उनकी जो प्रोसेस है वो एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन वो तो सेम रहेगी, आगे चल के वो एडवांस हो जाती है और अलग अलग डेवलपमेंट हो जाती है। वैसे ही बात की थी कार्ल अर्नस्ट वॉन बीयर ने, इनके बारे में मैं बता ही चुका हूँ, ये बात करते थे कि सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन में एम्ब्रियो में जो सिंपल कैरेक्टर हैं वो डेवलप होंगे और उसके बाद आगे चल के एडवांस कैरेक्टर डेवलप होंगे। तो वॉन बीयर ने ये बताया था कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के टाइम पे आप गैस्टुलेशन की स्टेज पे नहीं पता लगा सकते कि ये एम्ब्रियो किस एनिमल का है, किस जीनस से बिलोंग करता है या किस फाइलम का है। अगर आपके सामने अलग अलग फाइलम के एम्ब्रियो गैस्टुलेशन स्टेज के रख दिए जाएँ और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किस फाइलम से है, तो आप नहीं पहचान सकते हैं। वो सारे के सारे देखने में सेम लगते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट होता है उनमें, ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, ऑर्गेन फॉर्मेशन हो जाती है और आगे और डेवलपमेंट हो जाती है, तब आप पता लगा सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है और ये जो एनिमल है, स्पीसीज है, वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो कार्ल एंड वॉन वियर ने यही बताया था कि सिंपल करेक्टर पहले बनेंगे और एडवांस करेक्टर बाद में बनेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने पता लगाया था। तो अब आइए फाइनल स्टेज जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से लेयर जो हैं तीन वो क्या बनाती हैं। तो ये हम जान चुके थे, सबसे पहले जायगोट है, जायगोट से ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पढ़ चुके हैं, सिंगल लेयर होता है। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है, ट्रिपल लेयर होता है, तीन लेयर दिख ही रही हैं आपको, ब्लू कलर में एक्टोडर्म है, रेड कलर में मेसोडर्म है और ये जो येलो कलर है वो एंडोडर्म है। तो गैस्ट्रुला से फॉर्मेशन किस किस की हो जाएगी ये देखिए। सबसे पहली बात तो है गैस्ट्रुला से जर्म सेल की फॉर्मेशन होती है, जर्म सेल आपको पढ़ा ही चुका हूँ, गैमेटोजेनेसिस, उसमें मेल और फीमेल में बनते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं गैमेटोजेनेसिस। बाकी तीन लेयर जो हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनसे क्या क्या बनता है वो आप देख लीजिए। और CSIR में जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है, डायरेक्ट सीधे से क्वेश्चन यहीं से उठा लिया जाएगा। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि अल्वियोलर सेल्स जो हैं वो किस लेयर से बनते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोडर्म हो जाएगा आंसर। सीधे से पूछ लेंगे बोन टिश्यू किससे बनते हैं, बोन्स किससे बनती हैं, तो आंसर है मेसोडर्म। तो ये सीधे सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप इस चार्ट को याद कर लें तो। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए एक्टोडर्म जो है आउटर लेयर है, तो आउटर पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो आप अपने दिमाग से सोचिए कि आउटर पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। आउटर जो होते हैं वो एपिडर्मिस हो सकती है, आउटर सरफेस स्किन, तो ये हो जाएगा आंसर। दूसरी बात, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, ये याद करना है आपको। बाकी न्यूरल क्रेस्ट, मेलानोसाइट पिगमेंट्स ये बनते हैं, मेलानिन पिगमेंट जो होती है कलर देती है जो स्किन को, तो वो भी यहीं से बनते हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो एक्टोडर्म से बनती हैं, और भी एक्स्ट्रा हैं वो आगे आपको बता दूंगा, लेकिन CSIR जो पूछता है वो यहीं से पूछता है डायरेक्ट, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बस याद कर लीजिए, तो यहाँ से समझ लीजिए अगर आ गया तो दो नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। दूसरा है मेसोडर्म, मेसोडर्म में नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, ये आपको याद रखना है। नोटोकॉर्ड जो होती है उसकी फॉर्मेशन मेसोडर्म से ही होती है, बोन टिश्यू मैंने बता ही दिया है। बाकी किडनी की फॉर्मेशन ट्यूब्यूल सेल्स करते हैं, वो यहाँ से होती है। रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन यहाँ से होती है, फेस की मसल्स जो हैं और हेड की हैं वो यहाँ से बनती हैं। एंडोडर्म्स क्या बनता है, डाइजेस्टिव ट्यूब बनती है, स्टोमक सेल बनाते हैं जो, फेरिंग्स बनती है जो थायराइड सेल्स बनाते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्यूब बनती है जो अल्वियोलर सेल्स या लंग सेल्स बनाते हैं। तो ईजी है, आपको बस याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर और भी जो हैं वो बनते हैं वो आपको बता दिए गए हैं। एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होती है एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। डेरिवेटिव्स क्या हैं, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, हेयर फॉलिकल्स हो गए, ये सारे के सारे एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, आउटर लेयर होती है स्किन की, तो वो बनते हैं। लेकिन एपिडर्मिस जो होती है उसमें स्किन में एक आउटर लेयर के बाद अंदर जो होती है डर्मिस लेयर, वो मेसोडर्म से बनती है, ये आपको याद रखना है। जो डर्मिस लेयर है स्किन की वो मेसोडर्म से बनेगी, और जो एपिडर्मिस है इससे ऊपर वाली वो एक्टोडर्म से बनेगी। फिर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एनस एक्टोडर्म करता है, कॉर्निया एंड लेंस ऑफ आई एक्टोडर्म से होती है, नर्वस सिस्टम ये बता ही चुका हूँ आपको, न्यूरॉन्स सारे बनते हैं इसी से, सेंसरी रिसेप्टर भी इसी से बनते हैं जो कि स्किन में ही पाए जाते हैं, टूथ इनेबल बनते हैं, एपिथेलियल ऑफ पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड्स बनते हैं इससे, एड्रिनल मेडुला बनता है इससे। ये देखिए एड्रिनल मेडुला जो है वो एक्टोडर्म से बनेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो मेसोडर्म से बनेगा, ये याद करने वाली बात है। फिर नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बनती है, बता ही दिया था। जितने भी सिस्टम है सारे वो मेसोडर्म से बनेंगे, जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बाकी ये जो अदर है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी या मस्कुलर लेयर ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, तो ये आप याद कर लीजिएगा, यानी सिस्टम जो है वो मेसोडर्म से ज़्यादा बनते हैं।
फिर लाइनिंग की बात करें तो वो लाइनिंग एंडोड्रम से ज़्यादा होती हैं, जैसे एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लीवर, पैनक्रियाज, थायमस, थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो काफ़ी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक बार अगर सही से फोकस करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए जैसे आप ये याद कर लीजिए, मीजोडर्म में ज़्यादातर सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे सिस्टम बहुत सारे हैं, और एंडोडर्म में ज़्यादातर एपिथेलियल लाइनिंग की फॉर्मेशन होती है, तो लाइनिंग यहाँ पे बहुत सारी हैं। बाकी ये अदर ग्लैंड्स के नाम है, ये आपको याद हो ही जाएंगे। तो ये सिंपल सी है, और मेरे हिसाब से तो आप ये ज़्यादा याद ना करिए, इस पर ज़्यादा फोकस करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इतना ही है आज के लेक्चर में, बस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बोन ऑफ वर्टिब्रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, किस में से पाया जाएगा? ये मैंने आपको बताया था अभी आंसर इसका क्या हो जाएगा, मीजोडर्म। अल्वियोलर सेल ऑफ लंग एराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर? तो अल्वियोलर का मैंने आपको बताया दिया था, किससे बनती हैं अल्वियोलर लेयर? एंडोडर्म। तो ये दोनों क्वेश्चन आए, और भी क्वेश्चन आए थे जो मैंने उठाए नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। तो काफ़ी ईजी टॉपिक है, केवल आपको याद करना है और आपके मार्क्स आराम से आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आ चुका होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो सेल इंडक्शन पढ़ा है हमने आज, वही आगे चल के स्पीमन ने भी उसको और डिस्कवर किया था, स्पीमन ऑर्गेनाइज़र के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट कोर्स इसमें आपको कराऊंगा, पूरे के पूरे सारे CSIR के जितने भी हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जो भी हैं, सारे के सारे कंप्लीट। अभी डेवलपमेंट बायोलॉजी चल रही है, तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको अगर कोई भी बुक चाहिए CSIR से रिलेटेड, वो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, लिंक से आप टेलीग्राम से सारी की सारी बुक अवेलेबल हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आपको जो भी इजी लगती है वहाँ पे सारी की सारी बुक अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड जितने भी हैं। और डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए तो बेस्ट बुक गिलबर्ट की ही है, 11th एडिशन, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।